नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शिक्षा अकेडमी की इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, यूपी पुलिस ने यहाँ पर 4 लाख से अधिक अभ्यर्थियों के आवेदन निरस्त कर दिए हैं। तो आखिरकार यह निरस्त क्यों किए गए हैं और यह निरस्त आवेदनों में कहीं आपका आवेदन तो नहीं है? तो दोस्तों, आप बने रहिए हमारे साथ, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको सही सही इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पर यूपी पुलिस ने जो अभी वैकेंसी निकाली थी, यानी कि दूसरी बारी वैकेंसी की बात कर रहे हैं, जिसमें यहाँ पर 49,568 पोस्टों पर यहाँ पर रिक्त पदों पर भर्ती निकाली थी। कितनी? 49,568 पदों पर यहाँ पर भर्ती निकाली थी, जिसके फॉर्म यहाँ पर 19 नवंबर से 8 दिसंबर तक भरे गए थे। कब से? 19 नवंबर से 8 दिसंबर तक इसके फॉर्म भरे गए थे। तो दोस्तों, इनमें जब फॉर्म भरे गए थे, इनमें संपूर्ण 19 नवंबर से 8 दिसंबर तक लगभग 24,61,000 फॉर्म भरे गए थे। कितने? 24,61,000 फॉर्म सबमिट किए गए थे। तो दोस्तों, यह 4 लाख जो अभ्यर्थी हैं, इनके फॉर्म क्यों रिजेक्ट किए गए थे? दोस्तों, यह सभी हुआ है फीस के कारण। यानी कि दोस्तों, जो फॉर्म भरे गए थे, यानी कि 24 लाख यहाँ पर फॉर्म भरे गए थे, 24,61,000 के समथिंग यहाँ पर फॉर्म भरे गए थे, जिसके चलते यहाँ पर लास्ट डेट थी यहाँ पर 8 दिसंबर। तो दोस्तों, 8 दिसंबर तक केवल 20 लाख स्टूडेंटों ने यहाँ पर फीस सबमिट की थी। कितनी? 20 लाख स्टूडेंटों ने यहाँ पर फीस सबमिट की थी, जिसके कारण यहाँ पर फीस सबमिट ना होने के कारण यहाँ पर 4,61,000 के समथिंग विद्यार्थियों के आवेदन जो थे वह सभी निरस्त कर दिए गए। तो यानी कि दोस्तों, आपके लिए 49,568 पोस्टों के लिए आप केवल 20 लाख अभ्यर्थियों के साथ यहाँ पर फाइट होनी, यानी कि परीक्षा जो होने वाली है उसमें शामिल होने वाले अभ्यर्थी 20 लाख अभ्यर्थी हैं जिनका यहाँ परीक्षा होने वाली है। तो दोस्तों, यह जो 4 लाख अभ्यर्थी हैं, कहीं आप तो इनमें से तो नहीं हो? दोस्तों, आप यदि आप इन फीस सबमिट नहीं की है तो आप कुछ भी नहीं हो सकता। दोस्तों, लास्ट डेट थी ऑनलाइन फीस जमा करने की 8 दिसंबर और ऑफलाइन जमा करने की थी 10 दिसंबर। अब कुछ भी नहीं हो सकता। इसीलिए दोस्तों, यूपी पुलिस ने अभी फिलहाल यहाँ पर 4 लाख यानी 4.5 लाख के समथिंग जो अभ्यर्थी जिन्होंने फीस जमा नहीं की थी उनके फॉर्म निरस्त कर दिए हैं। तो दोस्तों, आप टेंशन मत लीजिए, यदि आपकी फीस सबमिट हो गई है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, आपका एडमिट कार्ड आपको परीक्षा देने जरूर मिलेगा यहाँ पर। तो दोस्तों, आप लग जाइए तैयारी करने में, क्योंकि इसका एग्ज़ाम भी अगले नेक्स्ट जनवरी में आने ही वाला, नेक्स्ट ईयर जनवरी के समथिंग या लास्ट जनवरी में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो दोस्तों, आप अच्छे मन से तैयारी करिएगा ताकि आपको अच्छे नंबर मिल सके और आपका सिलेक्शन हो सके। यदि दोस्तों, आप पहली भर्ती में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो आप बिल्कुल भी निराश ना होए, आप नेक्स्ट भर्ती में सिलेक्ट हो जाओ, क्योंकि यहाँ पर 50,000 वैकेंसी हैं, लगभग 49,568 हैं। दोस्तों, इनके लिए 20 लाख आवेदन आए हुए, यानी कि 20 लाख विद्यार्थी परीक्षा देंगे। तो आप बिल्कुल अच्छे से तैयारी करिए ताकि आपका इसमें अच्छे नंबर आए और आपका सिलेक्शन भी हो सके। तो ठीक है, तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जो भी नया वीडियो आएगा हमारी यूट्यूब चैनल पर तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय।